हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो है दिशा ज्ञान परीक्षण, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का। और यूट्यूब के इतिहास में ऐसा वीडियो आपको पहली बार मिल रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चैप्टर मैं समझाने वाला हूँ, इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखने पर आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार का वीडियो और एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों चलते हैं, हम पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं दिशा ज्ञान परीक्षण होता क्या है, किस टाइप से क्या होती है, कितनी दिशाएं होती हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं और नोट डाउन करते रहे क्या क्या चीज मैं बताने वाला हूं उन सभी को। देखो कुल दिशाओं की संख्या, बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, तो हमें कितनी बतानी है, 10। कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 10 होती है। पहली क्या होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चार दिशाओं तो ये होती है दोस्तों, और चार दिशाएं इनके बीच की होती है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, तो ये चार दिशाएं और ये हो जाती है, तो टोटल कितनी हो जाती है दोस्तों, 8 दिशाएं हो जाती है। और आपने सुना होगा आकाश पाताल एक कर दिया, यानी दो दिशाएं ही होती है, तो टोटल कितनी दिशाएं होगी दोस्तों, 10 दिशाएं होगी। टोटल कितनी हो गई है, 10, 4 और 4 8 और 8 और 2 10। अगर मुख्य दिशाओं की बात करें दोस्तों, तो मुख्य दिशाएं कितनी होती है, 4 दिशाएं होती है। कभी एग्जाम्स में आपसे पूछे कि मुख्य दिशाएं कितनी होती है, तो 4 होती है। उपदिशाएं देखो, मुख्य कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कभी बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी मुख्य दिशा है या मुख्य दिशा नहीं है। ठीक है, मुख्य दिशा कौन सी होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये मुख्य दिशा हो गई। पर अगर इनकी बात करें तो ये कौन सी दिशा है, ये दिशाएं होती है दोस्तों उपदिशाएं, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये जो है उपदिशाएं। निम्न में से कौन सी उपदिशाएं, पूरा जानकारी आपको होना चाहिए। टोटल कितनी, 10 दिशाएं होती है, 4 मुख्य होती है, 4 उपदिशाएं होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं आगे। तीसरा पॉइंट है बड़ी दिशाओं की संख्या। देखो दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा पूछ ले बड़ी दिशाओं की संख्या कितनी है, 2, कौन कौन सी, उत्तर और दक्षिण। हमेशा ये ध्यान रखिए, ये उत्तर दक्षिण क्या होती है, बड़ी दिशाएं होती है। और जब भी हम किसी दिशा का नाम लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जैसे ये देख लीजिए आप, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम लिखा गया है। क्यों लिखा गया, दक्षिण आगे क्यों है, क्योंकि बड़ी दिशा क्या है, दक्षिण है, इसलिए पश्चिम पीछे आया। यहां भी हमने देखा कि दक्षिण पूर्व लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये दिशा क्या है, बड़ी है, दक्षिण। और यहां हमने देखा कि उत्तर पूर्व लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि उत्तर बड़ी दिशा है, पूर्व छोटी दिशा है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 होती है। पूर्व उत्तर कभी नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई बोले सर पूर्वोत्तर लिख सकते हैं, नहीं, पूर्व उत्तर कभी नहीं लिखा जाएगा। हाँ ये बात है, क्या लिख सकते हैं, पूर्वोत्तर लिख सकते हैं या पूर्वोत्तर कह सकते हैं। पूर्वोत्तर का मतलब पूर्व उत्तर, यानी उत्तर पूर्वी है वो। अगर बात करें आगे दोस्तों, दायां, वो बोल रहा है कि दाएं साइड, कोई बोलता है कि दाएं साइड, तो राइट साइड का मतलब क्या है, दाएं ओर जाना। ठीक है, राइट साइड का मतलब दाएं ओर जाना। ठीक है, और सिंपली हमसे बोला गया कि दाएं ओर, कोई बोलता है दाएं मुड़, तो बहुत सी बार हमको ये प्रॉब्लम होती है कि दाएं किस साइड होता है, बाएं किस साइड होता है। दोस्तों जो आपका दाएं है ना, वही दाएं होता है, और आपका जो बाएं है वही बाएं होता है। तो हम ये देखें कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है, अब दो टाइप से सर्कल की तरफ देखते हैं, एक तो सर्कल की ओर देखना, यानी यहां पर, एक क्या होता है, बाहर की ओर देखना। ठीक है, बाहर की ओर देखेंगे तो ये बाहर की ओर देखेंगे, तो बाहर की ओर जब आप सर्कल की ओर देखेंगे तो आपका दाया कौन सा रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, और जब बाहर की ओर देखेंगे तो आपका दाया जस्ट चेंज हो जाता है, दाया इस साइड आ जाता है। ठीक है, यानी दाया किस साइड होगा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, या दक्षिणावर्त बोल सकते हैं, या तो घड़ी की दिशा बोल दीजिए या दक्षिणावर्त बोल दीजिए। ठीक है, तो दक्षिणावर्त का मतलब इस साइड। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब सीधा सा है, घड़ी कैसे चलती है, जैसे मान लीजिए घड़ी चलती है ये 12, ठीक है, क्या बज रही है, 12 बज रही है अभी, तो 12 3 6 9, तो 12 से 3 पे आए, 3 से 6 पे आए, और 6 से 9 पे चले गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये दक्षिणावर्त चल रहे हैं। और वामावर्त का मतलब होता है बायां। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसको वामावर्त बोलते हैं। यानी घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब, जैसे ये 3 है तो 3 से 12 चले गए, 12 से 9 चले गए, ऐसे करके हम चले गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, घड़ी की विपरीत दिशा, यानी वामावर्त। ठीक है, क्या बोलेंगे, वामावर्त। अब देखो यहां पर पूरा जो है डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया हुआ है कि ये जो घड़ी की दिशा होती है ये इस टाइप से चलते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा को इस टाइप से चलते हैं। आप घड़ी बनाकर भी कर सकते हैं सोल्व,
जब भी आप दाएं मुड़ते हैं तो एक माइंड में लेकर आइए कौन सी दिशा में, अगर ये इस दिशा में जा रहा है व्यक्ति तो दाएं का मतलब ये 3 पे है, तो दाएं का मतलब 6 पे आ जाना चाहिए, मतलब यहां पर, ठीक है। और बाएं चल रहा है मान लो यहां पर है, इस दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने बोला बाएं मुड़, तो बाएं का मतलब 6 से कहां जाना है आपको, 3 पर उल्टा चलना है, 6 से 3, 3 से 12, ऐसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां से, ठीक है। कॉपी या किताब का ऊपरी भाग उत्तरी दिशा को इंगित करता है, ये हमेशा ध्यान रखें, कॉपी या किताब का उत्तरी भाग क्या करेगा, उत्तरी ऊपरी भाग क्या करेगा, उत्तरी दिशा को इंगित करेगा, ठीक है दोस्तों, उत्तरी दिशा को इंगित करेगा। इसमें 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न है वो आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कि किस टाइप से इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिंपली दोस्तों 5 टाइप के प्रश्न है। पहला प्रश्न बनता है वह किस दिशा में जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में गया, 5 किलोमीटर चला और कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो दाएं साइड होगा घड़ी की दिशा, दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, इधर 5 गया इधर 2 गया, तो वो हमसे पूछेगा वह किस दिशा में जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ये कौन सी दिशा होती है, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है, तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। वह किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में। वह कहाँ देख रहा है, यानी उसका मुंह किस दिशा में, तो वह भी पूर्व दिशा में, यानी पहले दोनों जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर एक ही आता है। फिर उसके बाद वो पूछता है हमसे, उससे प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी तय करी, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब वो पूछता है वह कहाँ खड़ा है, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन होता है। अभी जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं उसमें हम सोल्व करने वाले हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा वह कहाँ खड़ा है। तो दो टाइप से पूछता है, एक तो प्रारंभिक बिंदु से पूछता है, अभी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिला दें, तो हम इसको यहां देखते हैं यहां से, तो वह कहाँ खड़ा है, एक तो हमको प्रारंभिक बिंदु से देखना रहता है अंतिम बिंदु, तो हमें कुछ भी नहीं करना रहता है, प्रारंभिक बिंदु पर हम प्लस बना दो, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इसका मतलब ये बीच की दिशा क्या होती है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। अगर हम वहां से देखेंगे अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, यहां से देखने पर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, हमको देखना रहता है कि वो किस दिशा से किस दिशा में जा रहा है। अब जैसे मान लिया बाय द वे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी मान लो ये 3 जाता, यहां पर 4 जाता, तो हमको ये पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली दूरी निकालनी रहती, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, धन क्या आता, आधार का वर्ग, तो पाइथागोरस प्रमेय बना दे 3 का वर्ग हो जाता, 4 का वर्ग हो जाता, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इन दोनों को जोड़ते 25 आ जाता, 25 का रूट निकाल देते तो हमारा क्या आ जाता, ये दूरी आ जाती, कितनी आ जाती, 5 किलोमीटर। तो इसका कहने का मतलब है कि इस टाइप से 5 क्वेश्चंस आपको इस पे सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। चलते हैं हम पहले प्रश्न के लिए, उसके बाद हम देखते हैं। प्रश्न के लिए जाने से पहले दोस्तों ये डिटेल्स जानकारी आपको जानना बहुत आवश्यक थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई, आशा है कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी। तो बिल्कुल जो है आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस के लिए, बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए नजर आएंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, एक्स ने किधर किया, दक्षिण की प्रारंभ, आपको ये ध्यान रखना है उत्तर किस साइड होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है, और पूर्व किस साइड होता है, इधर होता है, और पश्चिम किस साइड होता है, इस साइड होता है। अगर बंदा यूं चलेगा तो ये घड़ी की विपरीत दिशा है, कौन सी है, विपरीत, विपरीत का मतलब बाएं चल रहा है, और यूं चलेगा तो ये दाएं चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, दक्षिण किस साइड होगा दोस्तों, नीचे की साइड, तो कोई भी एक बिंदु मान लेंगे वहां से उसको चलाएंगे दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। वह 5 मीटर का फासला चलकर, तो कितने मीटर का, 5 मीटर का, 5 मीटर का फासला चलकर बाई ओर मुड़ा। अब दोस्तों मैंने बताया था कि ये जो घड़ी होती है 12, 3, 6, 9, तो घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, बायां, बाई ओर मुड़ा और कितना चला, 3 मीटर चला, कितना चला, 3 मीटर चला। उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ा, दाहिनी किधर होगा, नीचे की साइड, दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला, दाहिनी ओर मुड़कर कितना चला, 5 मीटर चला, कितना चला, 5 मीटर चला। अब एक्स किस दिशा की ओर मुंह किए हुए, मतलब वो किस दिशा में जा रहा है, तो ऑब्वियसली दक्षिण में जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दक्षिण, ये दिशा देखिए आप, दक्षिण दिशा में, ठीक है, ये ही दिशा है। अब मैंने बताया था आपको 5 क्वेश्चन करता है, वह किस दिशा में जा रहा है, तो कितना जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो वो दक्षिण में जा रहा है, उसका मुंह की दिशा में, तो भैया जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में मुंह होता है। जैसे मान लीजिए कोई बस इंदौर की तरफ जा रही है तो मुंह भी इंदौर की तरफ ही होगा ना, तो उसी दिशा में। तो दो क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गए। उसने बोला प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो सॉरी प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी तय करी, तो 5 तो ये चला था और 3 ये चला और 5 ये चला, टोटल कितनी दूरी तय करी, 10 और 3, 13 किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया दोस्तों किस टाइप से हमने उसको सोल्व किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरि ने पूर्व दिशा में
हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वो बाई ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। ठीक है, हरि ने क्या किया, हरि ने पूर्व दिशा में, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए उत्तर किस साइड होता है ऊपर, पूर्व किस साइड होता है इस साइड, दक्षिण किस साइड होता है इस साइड, और पश्चिम किस साइड होता है इस साइड। ठीक है, किस दिशा में मुड़कर यात्रा की उसने, पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में जा रहा है कितना, ये पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा इस साइड होगी, ये इस साइड जा रहा है, यात्रा की, फिर वो बाई ओर मुड़ा। तो मैंने आपको बताया था बाएं का मतलब क्या होता है, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, घड़ी की दिशा ऐसे चलेगा तो दायां और ऐसे चलेगा तो बायां। अभी किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा का मतलब वो 3 पर है, तो वो बाएं मुड़ा, तो बाएं किस साइड होगा, ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड जाएगा तो बाएं चला। पहले आप देखो ये कितना चला, 17 चला, और फिर बाएं मुड़कर कितना चला ये बताइए, बाएं, फिर वह बाई ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, कितना चला 15 किलोमीटर, फिर बाई ओर मुड़ा, फिर बाई ओर मुड़ा, तो बाई ओर मुड़ा और फिर कितना चला 17, तो ये आमने सामने की दूरी क्या हो गई बराबर, तो ये भी 17 थी, 17 इधर गया था, फिर 15 इधर गया और 17 इधर आ गया, तो आमने सामने की दूरी क्या हो गई बराबर हो गई, तो ये भी 17 इधर गया था, फिर यूं गया और यूं गया, तो ये अगर दूरी यहां से माइनस कर दूं, 17 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा 15, और इस 15 को धक्का देकर इधर किसका दें, तो ये आमने सामने की दूरी भी कितनी हो जाएगी 15। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, स्थान बिंदु से कितनी दूर है, तो वह यहां से चला था यहां, फिर 15 इधर गया और फिर 17 इधर गया, तो 17 माइनस करके 15 इधर किसका दिया, तो इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है वो, केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, कितना है 15, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, सुमन दक्षिण की ओर कितनी जाती है 10 किलोमीटर, दक्षिण कहां होगा आपका, ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, तो दक्षिण कहां होगा नीचे की साइड, कितना गई वो 10 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं का मतलब ऊपर की साइड, इस साइड होगा तो बाएं होगा, घड़ी की विपरीत दिशा बाएं, फिर बाएं मुड़ती है और कितना जाती है, बाएं मुड़कर, सॉरी दाई ओर मुड़कर, दाएं बोला ना उसने, तो दाई ओर मुड़कर सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, और उसने बोला दाई ओर, तो दाएं ऊपर नहीं होगा, ये तो बाएं हो जाता है, तो दाएं नीचे की साइड होगा, दाई ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, तो 6 किलोमीटर किधर गई वो, इधर, अंत में फिर दाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है, तो अंत में फिर दाएं, राइट साइड का मतलब किस साइड होगा, ऊपर की साइड, घड़ी की दिशा का मतलब दाएं, 10 किलोमीटर जाती है, अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, वो किस दिशा में, अब मेरी बात सुनो, वो यहां है ये जगह, तो कितना नीचे गए थे 10, फिर 6 इधर जाकर वापस 10 आ गए, तो आमने सामने की दूरी क्या हो गई बराबर, तो 10 से 10 हटा दे, तो ये 6 को थोड़ा सा तोक कर ऊपर रख दे, तो ये 6 आमने सामने की दूरी बराबर हो जाएगी, मतलब वो व्यक्ति यहां है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, तो कितनी दूर हो गया प्रारंभिक स्थान से 6, ठीक है 10 इधर गया था 10 इधर, 10 से तो 10 हो गया खत्म, अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, वह किस दिशा में, तो किस दिशा का मतलब यहां से अपन कवर करेंगे, तो यहां एक प्लस बना लो, तो यहां से प्लस बनाया, उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो कौन सी दिशा में हो गया वो, पश्चिम, 6 किलोमीटर पश्चिम, यानी आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, 6 किलोमीटर क्या हो गया पश्चिम दिशा में है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, राणा किधर जाता है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो 10 किलोमीटर उत्तर किस साइड होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है उत्तर ऊपर की साइड होगा, तो यानी उत्तर ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है, तो राणा 10 किलोमीटर कहां गया उत्तर की ओर, तो 10 किलोमीटर उत्तर जाने दो उनको, तो 10 किलोमीटर उत्तर ऊपर की साइड गया, फिर बाएं घूमता है, बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत, तो मैंने आपको बताया था जैसे ये 3 होता है 12 3 6 9, इधर चलेगा तो दाएं होगा, इधर चलेगा तो बाएं होगा, अभी फिलहाल वो कहां जा रहा है उत्तर दिशा में, तो ये साइड कौन सी होती है बाएं, घड़ी की विपरीत मतलब बाएं, वो बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो बाएं घूमकर 4 किलोमीटर मतलब इस साइड कितना आ गया वो 4 किलोमीटर आ गया, कितना आ गया दोस्तों 4 किलोमीटर, फिर क्या होता है दाएं घूमता है, दाएं का मतलब ऊपर की साइड, दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाई ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, तो दाई ओर घूमकर वापस ये 4 किलोमीटर वापस, मतलब ये आमने सामने की दूरी क्या हो रही बराबर हो रही, 4 किलोमीटर जाता है, अब अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से कितनी दूर है, अगली बात सुनो ये आमने सामने की दूरी बराबर करते हैं 4 से 4 कट गया, तो ये 5 थोड़ा सा इधर किसका, 10 के ऊपर आ जाएगा 5, तो आमने सामने की दूरी बराबर होगी, तो यहां से यहां तक कितनी होगी 10 तो ये और 5 ये, तो टोटल कितना हो गया 15 किलोमीटर, कितना जाएगा 15 किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और किस दिशा में है तो उत्तर दिशा में जा रहा है वो, ठीक है 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सोनू अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर किस साइड होगा दोस्तों ऊपर की ओर, 21 किलोमीटर चलता है, 21 किलोमीटर चलता है तथा दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, दाएं किस साइड होगा इस साइड, 9 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर
21 किलोमीटर चलता है, दाएं की तरफ का नीचे की साइड 21 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर वापस इधर आ गया। ठीक है, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत, ये 6 पे काटा था, ये मैंने बताया 12 3 6 9, तो ये 6 पर है, तो घड़ी के विपरीत का मतलब 6 से 3 बजाना, सीधा का मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में, वह कितनी दूर है, अब मेरी बात सुनो, ये 21 से 21 तो क्लोज हो गया, 21 ऊपर गया था फिर 21 वापस नीचे आ गया, तो ये 9 को उठाकर हम क्या रख सकते हैं, यहां पर आमने सामने की दूरी बराबर हो गई, तो ये कितना हो गया 9 और 15 कितना हो गया, 9 और 15 को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पूरी दूरी कितनी होगी 24 किलोमीटर, 9 और 15 को जोड़ने पर कितना हो गया 24 किलोमीटर, 9 और 15 को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24 किलोमीटर। ठीक है, ये 9 और 15 को जोड़ दें तो 24 आ गया, अभी 24 किलोमीटर है, पर दिशा कौन सी है, यहां से हम देखेंगे उसको, दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको यहां पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन अगला है दोस्तों, रवि अपने घर से स्कूल निकलता है, 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम देखें तो यहां पर क्या है, पहले कोई दिशा नहीं दी है, वो लास्ट में कोई दिशा देगा तो अपन उसको कवर कर लेंगे। फिर आगे उसने कहा है, पुनः दाएं ओर मुड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद वह स्कूल पहुंच जाता है, यदि अब उसका मुंह पश्चिम में है तो बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों यहां से हम देखते हैं कि रवि अपने घर से स्कूल की ओर निकलता है, तो हम उसको किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, चाहे उत्तर में ले जा सकते हैं, चाहे इधर ले जा सकते हैं, अगर हम उत्तर में ले जाएंगे तो उत्तर में ले जाओ, और पूर्व में ले जाओ तो पूर्व में, तो ऑब्वियसली क्या होता है, ज्यादातर हम उत्तर में ले जाते हैं तो बढ़िया रहता है। ठीक है, यहां से हम कोई भी बिंदु ले लेंगे और वहां से चलना शुरू करेंगे, स्कूल के लिए निकला, घर से स्कूल निकला 6 किलोमीटर चलने के बाद, किस साइड मुड़ा, दाएं साइड, दाएं साइड मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा कौन सी होगी ये, और 7 किलोमीटर चला, कितना चला दोस्तों 7 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं ओर मुड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद स्कूल पहुंच जाता है, तो दाएं ओर मुड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद क्या पहुंच गया, स्कूल पहुंच जाता है, तो ये स्कूल पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया, स्कूल, तो कुछ दूर चला, ये पता नहीं कितना चला, स्कूल पहुंच गया। अब उसका मुख पश्चिम में हो, किस साइड हो, पश्चिम दिशा में, पश्चिम हो गया, अब यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो तो बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो बताइए उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब देखिए पश्चिम दिशा का मतलब क्या है, ये जो दिशा होती है, ठीक है, ये जो दिशा होती है, उत्तर होती है, पूर्व होती है, दक्षिण होती है, और ये पश्चिम होती है, तो उसने क्या बोला कि अब उसका मुख किस साइड है, पश्चिम दिशा में। अगर इस थोड़े से इसको तोक कर हम यूं कर दें, इस थोड़े से को घुमा दें, इस थोड़े से इसको, इसको पश्चिम है, ठीक है, तो पश्चिम के इस साइड हम कर लें, या फिर ये देखो ये पश्चिम चल रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसा मान लेना चाहिए कि ये क्या है कि चेयर रेस खेल रहे हैं, चेयर रेस का मतलब समझते हो, एक के पीछे एक दौड़ रहे हैं, एक के पीछे एक दौड़ रहे हैं, तो वो दौड़ लगा रहे हैं एक के पीछे, तो मेरी बात सुनिए, ये पश्चिम यहां से कहां आ गया, दक्षिण को धक्का दिया, दक्षिण को धक्का दिया और यहां आ गया, ठीक है, तो यहां आ गया, तो इसका कहने का मतलब ये पश्चिम था ना, ये यहां से इस जगह दिख रहा है अभी, ठीक है, अब उसका मुंह पश्चिम में है, तो ये दक्षिण को धक्का दिया तो दक्षिण यहां आ गया, दक्षिण दक्षिण अगर पश्चिम इसको आगे बढ़ाएगा खो देगा तो ये दक्षिण यहां आ जाएगा, दक्षिण पूर्व को बोलेगा तो पूर्व यहां आ जाएगा, और पूर्व इसको बोलेगा तो ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है, तो वो अपन से ये बोल रहा है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है, तो इस टाइप से हम उसको ले सकते हैं। तो देखो ये पश्चिम यहां आ गया था, दक्षिण यहां चला गया था, और ये पूर्व यहां आ गया, तो इसका मतलब उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, इस दिशा में, तो ये दिशा क्या बन रही है अभी फिलहाल, पूर्व, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पश्चिम है इसको यहां से उठाइए, ठीक है, इस पूरे को तोक कर अपन अगर ऐसे कर देंगे तो कैसी आकृति बनेगी, ये वाली आकृति कहां जाएगी, ये वाली ऐसी आ जाएगी, ये वाली ऐसी आ जाएगी, और ये ऐसी आ जाएगी, इसका मतलब ये पश्चिम में जा रहा है इस साइड, यही है ना, तो पश्चिम में जा रहा है तो चलना किस दिशा में शुरू किया था, ये दिशा, तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व, ठीक है, तो कौन सी आ जाएगी, पूर्व, और बेटर यही रहता है चेयर रेस वाला, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे उनको हम चेयर रेस से भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 6 क्वेश्चन नंबर 7, गीता पूर्व की ओर मुख करके 6 मीटर चलती है, कितना, पूर्व की ओर, तो पूर्व किस साइड होगा दोस्तों, पूर्व साइड होगा, कितना चलती है 6 मीटर चलती है, ओनली 6 मीटर चली, फिर उसने मतलब बाएं ओर मुड़ती है, तो बाएं किधर होगा, ऊपर की साइड, नीचे यानी घड़ी की दिशा 12 3 6 और 9, तो नीचे की साइड आएगी, तो ये 3 से 6 आती है तो क्या होती है, दाएं होता है, और ऊपर जाती है तो बाएं होता है, तो अभी यहां था तो ये 3 पे था तो बाएं ऊपर ही होगा, ठीक है, बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती, कितना चली वो, 5 मीटर चली, फिर क्या बोला उसने, फिर बाई ओर मुड़ती है और 6 चलती है, मतलब आमने सामने की दूरी क्या हो गई, बराबर हो गई, फिर वो बोल रही है फिर बाई ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है, ठीक है, तो 5 मीटर वापिस वहीं आ गई जहां से चली थी वो, ठीक है, यानी घर से निकली थी वापिस घर आ गई, यहां से 6 गई तो आमने सामने की दूरी क्या हो गई, बराबर, ठीक है, अब वो अपन से पूछ रहा है बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है,
तो छह तो ऐसे गई थी, फिर छह वापिस ऐसे की ऐसी आ गई, और फिर पांच ऊपर गए थे और पांच वापिस यहां से नीचे आ गए, तो वो जहां से चले थे वहीं आ गए ना, जहां से चले थे वहीं आ गए, तो दूरी कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी सात का आंसर क्या हो गया, डी। सात का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है दोस्तों, डी ऑप्शन, यानी जीरो मीटर की दूरी है वहां पर। मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर बाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। रमेश कहां गया, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, पश्चिम किस साइड होगा, पश्चिम का मतलब आपको ध्यान रखना है ये क्या होता है, ठीक है, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये क्या होता है, उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, पश्चिम की साइड होगा इस साइड, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है, पश्चिम इस साइड होता है, ये रहा पश्चिम, तो इस साइड गया 3 किलोमीटर। फिर उसने बोला कि बाई ओर मुड़ा, बाया किस साइड होगा, ऊपर या नीचे, ये देखो अगर ये 3 है, ये 12 है, ये 6 है और ये 9 है, तो घड़ी की दिशा का मतलब दाया और घड़ी के विपरीत का मतलब बायां। तो अगर वो यहां 9 पे है, ये 9 पे देखो ये, तो अगर इसको बाएं बोलेगा तो नीचे की साइड आएगा, और दाएं बोलेगा तो ऊपर की साइड। तो उसने बोला कि बाएं और मुड़ा, तो कितना गया, बाएं नीचे 2, बाएं कितना बता रहा, 2, तो 2 गया, बाएं और मुड़ा 2 किलोमीटर चला। फिर अपने दाएं और मुड़ा, दाएं कितना हुआ, दाएं का मतलब अभी देखो ये 6 पे चल रहा है, तो घड़ी की दिशा का मतलब दाएं इधर चला, ठीक है, दाएं और मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर क्या बोला, फिर दाएं और मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर चला मतलब ये 2 नीचे आया था ये वाला, तो वापस क्या हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो आमने सामने की दूरी तो बराबर हो गई। अब ये 3 वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो बची हुई है इसको ऊपर, तो ये कितना हो गया 3 और 3 6। अब वो पूछ रहा है, अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो अपन यहाँ पर प्लस बना लो, यहाँ से देखेंगे उसको प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से चला था वो, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये दक्षिण हो गया, तो ये प्रारंभिक स्थान से किस ओर है, वो सीधा सटे ना, सीधा है मतलब किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। कौन सी दिशा में हो गया, बी। आठ का आंसर क्या हो गया, बी। आठ का आंसर बी हो गया, यानी पश्चिम दिशा में। क्लियर है दोस्तों, यहां पर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, तो सुहास कहां जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है 15 किलोमीटर। तो पहले देखें आप, पूर्व किस साइड होता है, पूर्व इस साइड होता है, पश्चिम इस साइड होता है, उत्तर इस साइड होता है, दक्षिण इस साइड होता है, तो सुहास ने किस साइड में चलना शुरू किया, पूर्व की ओर, तो पूर्व किस साइड होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस यही नोट करके रखना है कि पूर्व किस साइड है, पूर्व इस साइड है, यानी 15 किलोमीटर यात्रा की। फिर उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर कहां होगा, ऊपर की साइड, पूर्व में चल रहा है तो डायरेक्ट उत्तर में जा रहा है, तो उत्तर में कितना चला, घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है। और फिर क्या बोला उसने, फिर पश्चिम की ओर चला गया, तो पश्चिम किस साइड होगा, तो उत्तर से डायरेक्ट पश्चिम इस साइड हो जाएगा, ये पश्चिम रहा, तो पश्चिम की ओर चला और 15 किलोमीटर चला, तो ये आमने सामने दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, 15 किलोमीटर की यात्रा की, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो आमने सामने की दूरी तो बराबर हो गई, तो 15 से 15 क्लोज हो गया, इस 15 किसका यहाँ कर दो, तो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब किस ओर हो गया, कितना दूरी हो गया यहां से यहां तक, 15 किलोमीटर की दूरी। अगर वो पूछे कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से ये दिशा होगी कौन सी, उत्तर दिशा में, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं 10वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इसमें लीला एक स्थान से चलना शुरू करती है। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना, उत्तर की साइड होता है, पूर्व किस साइड होता है, पश्चिम किस साइड होता है, दक्षिण किस साइड होता है, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लीला क्या करती है, एक स्थान से चलती है और 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, तो पूर्व किस साइड होगा, इस साइड, पूर्व की ओर जाती है, और फिर बाएं घूमती है, तो बाएं किधर होगा, बाएं मतलब घड़ी की दिशा होता है दाएं, तो घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी मैंने बताया था 3 है, ये 6 है, ये 12 है और ये 9 है, तो अभी 3 पर चल रही है, तो 3 से डायरेक्ट कहां जाएगा, 6, 6 से फिर इस साइड चला जाएगा, 6 से उस साइड चला जाएगा, तो ऐसे करके हमको उसको कवर करना है। तो यहां पर क्या हुआ, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर आई, फिर बाई ओर मुड़ती है, तो बाएं किधर होगा दोस्तों, ऊपर, ठीक है, ऊपर की साइड, बाई ओर घूमती है और 2 किलोमीटर चलती है, तो ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 2 किलोमीटर चलती है, और फिर उसके बाद उसने बोला 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं घूमती है, तो दाएं किस साइड होगा, इस साइड, दाएं इस साइड होगा घड़ी की दिशा, क्योंकि यहां से 12 से कहां आएगा, डायरेक्ट 3 पे आ जाएगा, तो यहां से वो फिर चलती है कितनी, 2 किलोमीटर, दाएं घूमकर कितना चला, 2 किलोमीटर चला, और फिर चलकर दाई ओर 2 किलोमीटर चलती है, वह फिर चलकर दाई ओर कितना चलती है, 2 किलोमीटर, तो ये वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलती है किलोमीटर, फिर दाएं और चलकर 2 किलोमीटर चलती है, एक स्थान तक पहुंच जाती है, जहां से वह फिर 1 किलोमीटर बाई ओर चलती है, तो 1 किलोमीटर बाई ओर का मतलब ये सामने, ठीक है, 1 किलोमीटर बाई ओर चली जाएगी, तो सामने चली जाएगी, 1 किलोमीटर बाई ओर चल जाती है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो देखो यहां से ये आमने सामने की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर, ये कितना था, 2 था, ये भी कितना था, 2, तो 2 से 2 तो क्लोज हो गया, ये 2 नीचे किसका देंगे, तो 1 तो ये और 2 ये कितना हो गया, 1, 2, 3 और 1, 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक, तो 4 आंसर आ जाएगा हमारा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। वेरी गुड, एक्सेलेंट, सभी विद्यार्थियों को समझ आया होगा और बढ़िया से आपने उसको कवर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शीघ्र आ रहा है।
ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुजात उत्तर की ओर किस साइड जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। सुजात उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की साइड होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो उत्तर की ओर जाना मतलब ऊपर की ओर जाना, उत्तर किस साइड होगा ऊपर, यहां से आदमी चलेगा तो उत्तर की ओर जाएगा तो ये से ही जाएगा ऊपर, ठीक है। उत्तर की ओर 8 मीटर चला और दाएं मुड़कर, दाएं किस साइड होगा दोस्तों, दाएं आपको ध्यान रखना है ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। तो इसका मतलब दाएं का मतलब क्या होगा, घड़ी की दिशा। तो 12 से 6 3 आता है तो घड़ी की दिशा, 3 से 6 आता तो घड़ी की दिशा, ठीक है। आपने घड़ी देखी होगी इस टाइप की जिसमें 12 3 6 9 ही होता है, तो वैसे भी वो घड़ी कैसे घूमती है ये सबको पता है। राइट साइड का मतलब है घड़ी की दिशा और बाएं साइड का मतलब है क्या, घड़ी के विपरीत। तो यहां से चले हम दोस्तों, ये तो 8 हो गया, 8 यहां से चला और दाएं मुड़ा, तो दाएं की साइड होगा घड़ी की दिशा। तो यहां भी 12 बज रही हो मान लो, तो घड़ी की दिशा किस साइड होगी, इस साइड 3 12 से 3 डायरेक्ट 16 मीटर चला, कितना चला दोस्तों 16 मीटर। और फिर बाएं मुड़ गया, बाएं किधर होगा दोस्तों ऊपर, बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़कर, तो बाएं किस साइड होगा दोस्तों, इधर ऊपर ही होगा, बाईं ओर मुड़कर कितना चला, वह फिर बाईं ओर मुड़कर, देखो यहां से मैंने बताया था ये 5 चला, फिर ये 5 तो चल चुका है, ये 16 भी चल चुका है और 8 भी चल चुका है। अब वो क्या बोल रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 चला, तो ये सामने ये फिर 16 चला, यहां पर आ गया वापिस 16 मीटर चला। अब अपने प्राथमिक स्थान से कितनी दूर है, तो आमने सामने की दूरी बराबर हो जाएगी, ये 5 का एक उठा के यहाँ चला देंगे, पहले वो चला था कितना 8 और ये आमने सामने की दूरी बराबर करने के बाद 8 और 5 कितना हो गया 13, 8 और 5 13, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 13, सी ऑप्शन कितना हो गया 13, 13 आपका आंसर आ जाएगा कि वो किस दिशा में 13 किलोमीटर है। तो यहां पर उत्तर दिशा में 13 किलोमीटर, दिशा नहीं पूछी थी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। इसके बाद देखते हैं दूसरा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर की दूरी से दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। अब मेरी बात सुनो, मेरा मित्र था, मैं यहां पर था मान लो, और मेरा मित्र कहां था, यहां पर, ठीक है। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया, वो मेरी ओर चल रहा है, मैं उसकी ओर चल रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, चलना शुरू किया, एक स्थान पर चलना शुरू किया, 30 मीटर चलने के बाद एक दूसरे की ओर, मतलब वो ऐसे चल रहा है तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं बाएं घुमा, तो अगर मेरा मित्र सामने मान लो, ठीक है, 30 मीटर मेरी तरफ आ रहा था, वो ये 30 मीटर चला और फिर किस साइड घूम गया, बाया, तो बाया किधर होगा उसका, देखो ये घड़ी की दिशा अगर चलेगा तो वो दाया होगा, तो वो ऊपर चला गया, ठीक है। कितना गया वो, 10 मीटर चला और फिर वह दाया घुमा, फिर वह दाया घुमा मतलब घड़ी की दिशा, दाया घुमा और 20 मीटर चला। अब वो 20 मीटर चला, फिर वह दोबारा दाया घुमा और वापस सड़क पर पहुंच गया। तो यहां से सड़क पर चल रहा था, 10 बाहर गया था सड़क से, 20 इधर आया और वापस सड़क पर आ गया, तो ये 10 ही चल के आया होगा वापिस सड़क पर आने के लिए, उसको 10 ही आना पड़ेगा। तो मैं चल रहा था, मेरा मित्र भी चल रहा था, ठीक है, ठीक है, साथ चलना शुरू किया, मैं चल रहा था, वो भी चल रहा था, तो मैं कितना चला, 30 10 और 20 और 10, यानी 20 20 40, 10 10 और 10 20 और 20 40 40 और 30, कितना हो गया 70 किलोमीटर में चला यहां से। तो वो क्या बोल रहा है, 20 मीटर चला, फिर वह दोबारा दाएं घुमा और वापस सड़क पर पहुंच गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था। यदि हम दोनों एक ही गति से चलें, उसने क्या बोला, सेम गति, मतलब 70 में चला तो वो भी 70 चले, तो इस समय हम दोनों के बीच कितनी दूरी है। अब मेरी बात सुनो, डिस्टेंस तो यहां से यहां तक कितनी थी, टोटल कितनी थी, 100 थी। अब मैं कितना चला यहां से, 30 ऊपर चला, फिर 10 ये चला और 10 ये चला, तो आमने सामने की दूरी तो बराबर हो गई और ये 20 नीचे आ गया। टोटल में कितना चला यहां से यहां तक, 30 और 20 50, मतलब मैंने 50 ही कवर किया, तो मैं आधे आ चुका हूं, क्योंकि मैं इधर गया था तो 20 मेरा इधर बड़ा है, ठीक है, 20 और चला हूं मैं, पर वो गिना ही नहीं रहा है मेरा। पर मेरा जो फ्रेंड इधर से चल रहा था, वो तो पहले 30 चला होगा, फिर 10 ये चला होगा, 20 ये चला होगा, क्योंकि दोनों गति एक जैसी है, तो वो कितना चला होगा, 30 10 10 20 ये और 20 वो, तो टोटल कितना चला हो, 40 70 चला हो और मैं 50 चला, तो मैं 50 से आधा आधे आ गया, तो ये टोटल दूरी कितनी थी, 100 थी, तो यहां से मैं 50 आ गया, तो ऑब्वियसली वो मेरे से 50 तो कवर किया ही होगा और 30 50 कवर किया होगा और 20 आगे निकल गया होगा, यानी हम दोनों के बीच कितनी दूरी हो गई, 20, ठीक है, कितनी दूरी हो गई, 20। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसके बाद पचपन नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उसी दिशा में होगा। अब मेरी बात सुनो, एक बार दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति एक बार दाएं मुड़ता है ना, तो उसका मतलब होता है एक बार दाएं मुड़ने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति दाएं मुड़ता है तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री से घूमना, ठीक है। एक बार बाएं मुड़ता है तो उसका मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री से घूमना, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो यहां पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब उसी दिशा में वापिस आना वहीं पर। तो जैसे मैं यहां था,
ठीक है, ये उत्तर दिशा में था। मेरे को किसी ने बोला दाएं मुड़, तो मैं यहाँ आ गया, 90 डिग्री आ गया। फिर वो मेरे को बोला दाएं मुड़, तो 90 डिग्री आ गया। मतलब कितनी बार आया मैं, एक बार और एक बार, दो बार। अगर मैं दो बार वापस यहीं आ जाता हूँ तो मैं उसी दिशा में आ जाऊँगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दाएं और बाएं बराबर हो, वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलो गिनते हैं, चलो गिनते हैं। देखो, एक बाया, एक बाया, अभी टोटल गिन लो इनको, टोटल कितने हैं वो गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है, तो आठ में से चार बाएं होने चाहिए और चार दाएं होने चाहिए, तो गिनो, एक दो तीन चार, चार बाएं मिल गए आपको। मतलब बाएं जाएगा फिर दाएं आ जाएगा, तो वापस वहीं आ गया। फिर बाएं जाएगा फिर दाएं आ जाएगा, तो वापस वहीं आ गया। फिर बाएं गया, फिर बाएं गया, और फिर दाएं गया, तो वापस वहीं आ गया ना। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पहला मतलब बाएं जाकर दाएं आ जाता है, तो वापस उसी जगह होगा, बाएं जाकर दाएं आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये आदमी होता है, यहां से यहां तक आता है, ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक आता है, तो ये दाएं आया और फिर वापस बाएं चला गया, तो वहीं चला गया ना वो, उसी जगह उसी स्थान पर, तो कोई भी नहीं गिराएगा ना। अगला देखेंगे हम, एक मकान का दरवाजा दक्षिण की ओर है, मतलब दक्षिण की ओर है इस साइड है, कोई व्यक्ति निकलेगा दरवाजे से निकलेगा ना, तो इस ओर है मतलब दक्षिण की ओर है। ठीक है, इस ओर है मतलब दक्षिण की ओर चल रहा है, तो दक्षिण की ओर ही होगा, तो इस ओर निकलेगा तो दक्षिण की ओर निकलेगा। उसमें अंदर घुसते ही बाई ओर एक कमरा है, तो भाई दक्षिण से अंदर घुसेंगे तो दक्षिण, मान लो ये दक्षिण है, दक्षिण से अंदर घुसेंगे तो इस साइड आएंगे, यानी उत्तर में। बाई ओर एक कमरा है, तो बाएं साइड किस साइड होगा, बाएं, जैसे अंदर घुसे दक्षिण से तो बाएं किस साइड होगा, इस साइड। बाई ओर एक कमरा है, कमरे में घुसने पर दाई ओर एक खिड़की है, तो दाई ओर मतलब ऊपर की साइड, दाई ओर एक खिड़की है, उस खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा होने पर मेरा मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा में। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसानी से आप मेक कर पा रहे होंगे इसको, और बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन बना रहे होंगे। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी ये आंसर हो जाएगा, और बड़ी आसानी से आप उसको बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, आमने सामने की दूरियां बराबर करते जाइए और क्लियर करते जाइए। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय वाला, वो काफी आपको परेशान करता है। पाइथागोरस प्रमेय में आपको किसी भी सवाल में घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आमने सामने की दूरियां बराबर करने के बाद में पहला और अंतिम स्थान ढूंढ के रख लीजिए कि कौन सा पहला और अंतिम स्थान है। जैसे एक क्वेश्चन होता है, राम पूर्व दिशा में गया, वो 4 किलोमीटर चला, ठीक है, कितना चला, राम पूर्व दिशा में गया, पूर्व दिशा में गया और 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला मतलब नीचे आया वो, ठीक है, तो बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। उसका मुंह की दिशा में, 5 क्वेश्चन कौन कौन से करते हैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, दक्षिण दिशा में जा रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उसका मुंह की दिशा में, तो उसका मुंह की दिशा में, तो वो भी दक्षिण दिशा में। उससे प्रारंभ बिंदु से कितना दूरी तय करी, तो 4 और 3 कितनी हो गई 7, ये तीसरा प्रश्न हो गया आपका क्लियर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या, वह कहां खड़ा है, तो मैंने आपको बताया था वह कहां खड़ा है, 2 क्वेश्चन करता है, प्रारंभिक बिंदु से या अंतिम बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम पूछता है, तो आपको यहां पर एक प्लस बनाना है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, तो यहां से हम इसको मिला दें पहले और अंतिम बिंदु को, तो आप देखिए बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में। अब 2 क्वेश्चन करता है, प्रारंभिक से पूछे तो दक्षिण पूर्व बताएंगे, और अंतिम बिंदु से पूछे तो यहां पर एक प्लस बना लो, ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, यहां से देखो उत्तर पश्चिम, यहां से अगर देखने को लगा उत्तर पश्चिम। अगर बात करें बाय द वे, वो अपन से पूछे कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो मेरी बात सुनो, यहां पर मैंने बताया था 4 किलोमीटर इधर गया, फिर 3 नीचे आ गया, ठीक है, ये 3 नीचे आ गया, 4 इधर गया 3 इधर गया, तो ये आपको दूरी निकालनी है, ठीक है। आपने जो एडवांस गणित पढ़ी होगी ना, उसमें ये पता होगा आपको कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा ज्ञात होने पर तीसरी ज्ञात कर सकती है, किसे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, धन क्या हुआ आधार का वर्ग, ऐसा कर सकते हैं ना। तो कर्ण का वर्ग मतलब क्या, कर्ण नहीं पता हो तो x का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग तो पता है, लंब 4 है, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो इन दोनों को जोड़ते कितना हो गया 25, तो 25 का रूट निकालते क्योंकि कर्ण का वर्ग आएगा तो x वर्ग बराबर 25, तो रूट आ जाएगा तो वर्ग कट जाएगा तो रूट आ जाएगा, तो कितना हो गया 5 आ गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उसको पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं, 3 भुजा याद हो त्रिभुज की तो 4थी याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए आप मेहनत जरूर करें। आज आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से कल आपको उसका फल मिलेगा। आप ये देखिए कि यदि आपको सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, आप जिस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं यदि उसमें आपको नहीं सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो आपकी गलती है, किसी और की कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप अपने मेहनत से मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिमाग से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको असफलता हाथ लग रही है बार बार, तो असफलता का कारण को खोजकर उसकी जो है जड़ तक जाकर उसे सही कर लीजिए, तो आपको सफलता मिल जाएगी दोस्तों। और निश्चित रूप से जो मेहनत करता है उसको सफलता निश्चित मिलती है, ये मेरा पर्सनली अनुभव है। आप
लगातार मेहनत करते रहिए, एक बार फेल हो जाते कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर से दोबारा कीजिए, वो लंबा समय दीजिए थोड़ा, या तो किसी कार्य को कीजिए मत, यदि आप कर रहे हैं तो उसे पूर्ण करके ही दम लीजिए, अन्यथा उस कार्य को करिए मत, ठीक है। यदि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरा मानना है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसकी कर दीजिए, मेरी बात अगर आपको कटु लग रही है तो, मैं तो यही चाहता हूँ आप मेरे भाई बहन हो और आपको सफलता मिले, इसलिए मैं इस टाइप की बातें आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे विश्वास है आप लोग मेरी बातें पर अमल करेंगे और अपनी सफलता के लिए हर दम प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपको सफलता मिले, हर एग्जाम्स आपके क्लियर हो, आपके सपने पूरे हो, आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और इसी प्रकार के कड़वे वचन आपको फिर से दोबारा मिलेंगे।